करीब 76 विधानसभा सीटों से 12 जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जिसमें करीब 55 सीटें के आसपास, 55 से 60 के आसपास बीजेपी के पास हैं। तो क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा? क्या इससे ज्यादा कामयाबी बीजेपी हासिल करेगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए, या फिर ये एक्सप्रेसवे कोई नई इबारत लिखेगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अनिला जी, आपके पास आता हूं। अनिला जी, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो सौगात देंगे। क्या इरादा है इस एक्सप्रेसवे का? केवल आर्थिक उन्नति का ही कारण, या ये आपकी चुनावी लड़ाई का भी एक रास्ता है? ये देखिए, हम सबसे पहले तो मेरी राम राम सबको। और करण जी से एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एक योगी है। और योगी कौन होता है? जो हमेशा देता है। तो सीधी सी बात है कि वो पूरे प्रदेश को वो सब कुछ देना चाहते हैं और देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो हर प्रकार से विकसित हो प्रदेश। और हर व्यक्ति जो हमारे प्रदेश में रह रहा है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और ज्यादा सुदृढ़ हो। और अगर हम ये, और बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना रहा है कि बिल्कुल ये जो ग्रिड हो, एक्सप्रेस वे का एक ग्रिड बन जाए पूरे के पूरे प्रदेश में, जिससे कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी, जो जितने भी एरिया है, जितने भी क्षेत्र है, उनकी कनेक्टिविटी जो है बहुत बेहतर हो जाए। और जैसे ही कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, तो हमें मालूम ही है कि सारे क्षेत्र, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, वो अपने आप डेवलप करने लग जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली जब ये सारी की सारी चीजें डेवलप होती है तो नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं अनिला जी जो आप कह रही हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव में भी यही एजेंडा है कि देखिए हमने विकास किया उत्तर प्रदेश का, देखिए हमने किस तरह के एक्सप्रेसवेज बनाए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हैं, क्या यही एजेंडा है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक चीज बात हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं। जब उनको पॉलिटिकल रैलीज करनी होगी तो वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होकर वो पॉलिटिकल रैलीज करेंगे चुनाव के लिए। पर आज की तारीख में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो हमारे लिए तो ये बहुत गर्व का दिन है। ये जो एक्सप्रेस वे, जो गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसका 94% जो है और पहले से ही जो लैंड है वो एक्वायर हम कर चुके हैं, ठीक है, और बाकी का भी एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप क्या कह रही हैं कि ये आप कह रही हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर जाएं और चाहे बीजेपी के नेता के तौर पर जाएं, एजेंडा विकास ही है, आप यही कह रही है ना? आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल ये बातें करेंगे आगे। सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला भी प्रदेश अब बनता जा रहा है। राजपाल कश्यप हमारे साथ हैं। राजपाल कश्यप, आज देखिए सियासत का सुपर सैटरडे है, ये तो सबको मालूम है, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक बहुत बड़े एक्सप्रेस वे की सौगात देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश के लोगों की आर्थिक उन्नति का कारण तो बनेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की सियासी उन्नति का कारण भी बनेगा, और आप लोगों की चुनौती इससे कहीं और बढ़ जाएगी कि देखिए ये वो सरकार है, बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि जो ताबड़तोड़ विकास के काम कर रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, अब गंगा एक्सप्रेसवे, वो डिफेंस कॉरिडोर झांसी में? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने कम समय में और जितनी अच्छी क्वालिटी का एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवा दिया, और पूर्वांचल का भी तो रोड मैप सब माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार किया था। आज ये गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल में बनाएंगे। अभी तो लखनऊ में एक रिंग रोड बन रहा था, शायद 7 साल तो हो चुके, केंद्र की सरकार बना रही रिंग रोड, अभी तक नहीं पूरा हुआ। जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली रोड से और ये फैजाबाद रोड को जोड़ने का काम किया था, उसके अलावा तो नहीं हुआ। तो ये झूठे और कोरे सपने दिखाते, ये जनता को ये 5 साल क्या करते रहे, 5 साल क्या करते रहे, भारत सरकार को 8 साल होने जा रहे, और 5वां बजट जब अंतिम बजट, जिसमें अब तो कुछ बचे ही नहीं, अब तो 15 दिन बचे होंगे, 15-20 दिन आचार संहिता लग जाएगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।